सो चंद्रमा अगर आपके पहले स्थान पे हो या फिर मून आपके फर्स्ट प्लेस पे हो, तो पहली चीज़ जो आपको इस बात को एक्सेप्ट कर लेनी है वो ये है कि आप अपने बारे में प्रायोरिटाइज रखते हो, आप अपने आप को, आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से कैरी करते हो। मून पहले स्थान पे होने का मतलब है आप कैसे दिख रहे हो, आप किस तरीके से चीज़ों को कैरी कर रहे हो, इन सब चीज़ों में बहुत ही केयरफुल रहना। मून जो कि माइंड का कारक है, ओरिएंटेशन का कारक है, मून एक ऐसा प्लैनेट है जो ये बताता है आपका ओरिएंटेशन कैसा है, आप किस तरीके की चीज़ें सोचते हो। तो आप देखो पहले स्थान पे नक्षत्र कौन सा है और किस नक्षत्र में चंद्रमा बैठा है। जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठा होगा आपकी थिंकिंग वैसी हो जाएगी, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, आपकी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करेगी। एज एन मून पे जब भी कोई प्लैनेट चलेगा तो उस नक्षत्र से रिलेटेड चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। और जो चीज़ एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा, चाहे कोई भी नक्षत्र हो, जब चंद्रमा पहले स्थान पे आ जाता है तो इंसान सुंदर बन जाता है, इंसान का चेहरा बहुत ही निखर के निखरा हुआ फ्रेश दिखता है चेहरा इंसान का। महादशा के ग्रह और ट्रांजिट को एनालाइज करने के बाद मैं इस बात को बता पाऊँगा कि किस किस तरीके से आपके मून पे प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन कुंडली में आपका चंद्रमा आपके प्रथम स्थान पे होने का कारक सिर्फ और सिर्फ तीन चार चीज़ों को सिग्निफाई करता है। पहला तो आपका माइंड, आपकी ओरिएंटेशन को, दूसरा आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को, तीसरा आपकी ब्यूटी को, और चौथा कि आप अपने आप को कैरी कैसे कर रहे हो। आप अपने अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करोगे। जितने भी डॉक्टर्स वगैरह होते हैं जो चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज़ करते हैं, उनका भी फर्स्ट प्लेस पे, ज़्यादातर केसेस में फर्स्ट प्लेस में मून देखा गया है। बट ये इन जनरल बता रहा हूँ मैं, ये ज़रूरी नहीं है जिसका भी मून फर्स्ट प्लेस पे पड़ा वो डॉक्टर बन जाता है। सो अगर आपका चंद्रमा पहले प्लेस पे है तो अपने से दूसरा दूसरे स्थान पे चलेगा। अपने से दूसरा दूसरे स्थान पे चलने का मतलब है आप अपने आप को, अपनी बॉडी को, और दूसरा स्थान आपके पास जो भी आपका बैंक अकाउंट, आपके पास जो भी कपड़े मौजूद हैं, जो भी आप फूड खा रहे हो, इन सब चीज़ों को लेके आप बहुत ही ज़्यादा थॉट प्रोवोकेटिव हो जाओगे। आप बहुत सोचोगे कि क्या पहने, क्या खरीदे, क्या खाएं, आपकी बॉडी को क्या चीज़ सूट कर रही है। तो जब भी चंद्रमा अपने से दूसरा चाल चलेगा तो दूसरा चाल ऑब्जर्व करवाता है, तो आप ऑब्जर्व करोगे। फॉर एग्जांपल आप फ़ोटो खींच के देखोगे अपनी कि आप किस कपड़े में ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। अपने से दूसरा ऑब्जर्व करवाता है, फ़ोटो खींचोगे, व्लॉग बनाओगे, वीडियो बनाओगे, किस चीज़ से रिलेटेड, तो आपकी बॉडी से रिलेटेड, आपकी कपड़े पहन के आप फ़ोटो शूट वगैरह कुछ करा सकते हो, या फिर आप सेल्फ में कैसे देख रहे हो, इस चीज़ को समझोगे। क्योंकि चंद्रमा का जो मूवमेंट होता है वो 2.5 डेज़ एक राशि में रहता है, तो ये बहुत जल्दी मूव करता है चंद्रमा किसी भी एक स्थान को, तो इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं, बहुत ही तेज़ी से बदलते हैं। इसीलिए चंद्रमा को मन का कारक भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेज़ी से मूव करता है आपकी कुंडली में। चंद्रमा अपने से तीसरा चाल तीसरे स्थान पे चलेगा। जब ये तीसरे स्थान पे चलेगा तो आप अपनी बॉडी को, आपकी बॉडी हो गई पहला स्थान, अपने से तीसरा मतलब कैटेगराइज करना, शेड्यूल करना, प्रायोरिटाइज करना। तीसरा स्थान कंट्रोल का स्थान होता है, तो आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कैसे करना है इस बारे में इल्यूमिनेट करोगे। ये 12वें स्थान पे जैसे जैसे चलेगा, आपकी बॉडी को आप रख के देखोगे, आप अपने आप को, आपके स्टेटस को रख के देखोगे कि किस तरीके से आप किसी जगह पे फिट हो रहे हो। बट चूंकि माइंड है तो आप सोचोगे, तो तीसरा स्थान में आप तीसरे स्थान पे जब चंद्रमा चलेगा पहले स्थान का, तो आप सोचोगे कि आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कैसे करो, आप कैसे अपनी बॉडी पे, आप अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करो। तीसरा स्थान बिहेवियर होता है, रिएक्शंस होते हैं जो आप देते हो। जब चंद्रमा चौथे स्थान पे चलेगा तो आप इस बारे में सोचोगे कि किस चीज़ को पढ़े कि मेरे मुझे बहुत सूट करे, मेरे लिए कौन सी पढ़ाई सबसे ज़्यादा बेटर होगी, इस बारे में आपके थॉट्स
आएंगे और ये थॉट्स क्लियर होंगे आपके। फोर्थ प्लेस माता का भी होता है, फोर्थ प्लेस आपकी जो आपने जो आपका घर है, परिवार है, इससे इसको इसके लिए भी देखा जाता है। तो फोर्थ प्लेस पे जब चंद्रमा चलता है तो आप सोचोगे किसके बारे में, तो पहले तो खुद के बारे में क्योंकि आपकी बॉडी में है चंद्रमा। कैसे सोचोगे, तो आप सोचोगे कि क्या पढ़ाई किया जाए कि मुझे सबसे ज़्यादा मैं सबसे ज़्यादा क्लियर रहूँ, रिलैक्स्ड रहूँ, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो क्लैरिटी का भी कारक होता है। तो आप बहुत ही क्लियर रहोगे चीज़ों को लेके चौथे स्थान से। चौथे स्थान से जुड़ी हुई हर एक चीज़ जब चंद्रमा चलेगा तो उसको क्लियर करेगा, लेकिन ये क्लियर तब तक नहीं करेगा जब तक चंद्रमा पे शनि नहीं चलता है। जिस समय चंद्रमा पे शनि चल जाएगा, आपके नेटिव प्लेसमेंट जहाँ पे चंद्रमा है पहले स्थान पे, वहाँ पे जब शनि चल जाएगा तो चंद्रमा शांत हो जाता है। उसके बाद चीज़ों को बहुत शांत से एनालाइज करता है। चंद्रमा अपने से पांचवा चाल पांचवें स्थान पे चलेगा, तो जब अपने से पांचवा चाल पांचवें स्थान पे चलेगा तो आप देखोगे कि आपको कौन सा काम सूट करता है, आप किस चीज़ को करने के लिए रेडी हो, इनिशिएट किस चीज़ को कर सकते हो, किस फ्रेंड सर्कल में आप उठ सकते हो, बैठ सकते हो, लोगों को कैसे एंटरटेन कर सकते हो। तो एंटरटेनमेंट का प्लेस होता है पांचवा स्थान, तो लोगों को कैसे एंटरटेन कर रहे हो पांचवे स्थान से देखा जाएगा। छठे स्थान पे जब चंद्रमा चलता है तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग आ जाता है, लेकिन यहाँ पे भी आप सोचते हो कि आपको आपके वर्क को कैसे करना है, तो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग पर्सन बन जाते हो आप। हर चीज़ में सोचोगे कि किस तरीके से आपको बेटर रिजल्ट्स मिले। छठा स्थान आपका प्रोफेशन होता है, कौन सा प्रोफेशन आपको बेस्ट सूट करेगा। सातवां स्थान अपने से सातवां चलेगा, तो अपने से सातवां मतलब रिलेशन, कैसे रिलेशंस आपको डेवलप करने हैं, आप सेलेक्टिव हो जाओगे इस चीज़ को लेके, बहुत ही सोचोगे कि कैसे मैं अपने रिलेशंस डेवलप करूँ लोगों के साथ। आठवां चाल आपकी मेमोरी होती है, तो आप अपनी मेमोरी को लेके भी बहुत ही सर्टेन हो जाओगे कि किस चीज़ को मेमोराइज़ करना है, किस चीज़ को मेमोराइज़ नहीं करना है, कौन सी चीज़ फालतू है, कौन सी चीज़ अच्छी है। जब मून आठवें स्थान पे चलेगा तब इस बारे में क्लैरिटी आएगी। जब मून नौवें स्थान पे चलेगा तो आप ये इस बारे में सोचोगे कि किस चीज़ को मैं सामने वाले को बताऊं और किस चीज़ को मैं ना बताऊं। रिफ्लेक्ट करोगे कि क्या लोगों के रिएक्शंस हो सकते हैं। जब अपने से दसवां चाल चलेगा दसवें स्थान पे, तो आप सोने, दसवां स्थान रेस्ट करने का स्थान होता है, तो रेस्ट से रिलेटेड चीज़ों को सोचोगे आप, और ये सोचना ही आपका बेसलाइन बन जाता है। थिंकिंग अबाउट योर बॉडी, आप कहाँ पे कंफर्टेबल हो, कहाँ पे कंफर्टेबल हो के सो पा रहे हो, कहाँ पे कंफर्टेबल हो के एंजॉय कर पा रहे हो, ये दसवें स्थान से देखा जाएगा। ग्यारहवां स्थान आपके फ्रेंड सर्कल, आप बहुत ही ज़्यादा सर्टेन हो जाओ और सर्टेन करोगे इस बात को कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में सर्वाइव कैसे करोगे, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, इस बारे में आप सोचोगे कि व्हाट सूट्स यू बेटर। जब अपने से बारहवा चलेगा चंद्रमा, तो अपने से बारहवा लॉस होता है, तो ये जो ढाई दिन होता है जहाँ पे चंद्रमा अपने से बारहवा चलेगा बारहवें स्थान पे, उस समय आप कुछ भी क्लियरली नहीं सोच पाओगे, लॉस ऑफ क्लैरिटी कहते हैं इसको। और फिर जब पहले स्थान पे आएगा तो आप अपने बारे में वापस से इनकलकेट करोगे। तो यही है चंद्रमा पहले स्थान पे, जैसे जैसे चलेगा इसके रिजल्ट्स इसी तरीके से चेंज होंगे। आप कमेंट करके बताओ कि आपके चंद्रमा के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। जब चंद्रमा की महादशा चलती है तो ये रिजल्ट्स कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाते हैं। चंद्रमा को के महादशा को पढ़ने का तरीका मैं महादशा की सीरीज़ में समझाऊंगा, बट ट्रांजिट अलग तरीके से देखा जाता है। और ट्रांजिट में आपको किसी भी हाउस के लॉर्डशिप को नहीं देखना है, अगर आप देखते हो तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, वो आपको रिजल्ट्स नहीं देगा। सो दिस वॉज माई एनालिसिस ऑन मून इन फर्स्ट हाउस। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, सब्सक्राइब, थैंक यू।